गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी। आज बात करते हैं अपन जेई मेन में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या पहले बात सनवाइज पेपर दिए हुए हैं मार्च 2021 में, मेंस में क्या पूछा गया था, द ऑक्साइड दैट शो ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज, कौन सा ऑक्साइड है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए बेटा जी, ये सिंपल ऑक्साइड है, ये सिंपल ऑक्साइड है अपने पास SiO2, एसिडिक है, इनका याद रखना एसिडिक ऑक्साइड है। किस एसिड से मिलकर बना हुआ है, साथ में मैं कुछ क्वेश्चन और आपके साथ क्लियर करता जा रहा हूं। किस एसिड से मिलकर बना हुआ है बेटा जी, ये H4SiO4 से, इसका नाम है ऑर्थो सिलिसिक एसिड, ऑर्थो सिलिसिक एसिड का एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, किसको, SiO2 को। ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव करेंगे अपन तो इसका ऑक्साइड बन जाएगा कौन, SiO2 बन जाएगा। तो ये भी कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। इसका अगर आप आयन बनाओगे, इसका आयन बनाओ तो चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर रिमूव कर दो, पीछे क्या बन जाएगा बेटा, SiO4-4 बन जाएगा, इसको बोल देंगे ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट आयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑर्थोसिलिकेट आयन। बेटा जी यूनिट ऑफ सिलिकेट्स कहा जाता है इसको, क्या, यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, यूनिट ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट्स की यूनिट सिंपल, सबसे सिंपल यूनिट कौन सी है, SiO4 है, SiO4-4 है। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडेशन है। इसकी शेप कैसी है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी, ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपने एक की जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट ऑफ सिलिकेट को इसको कहा जाता है, SiO4-4 को यूनिट ऑफ सिलिकेट कहा जाता है। सिलिकेट्स की सबसे सिंपल यूनिट है ये, क्या है, सिलिकेट की सबसे सिंपल यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन Na2O, ये बेटा जी सिंपल ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है ये बेसिक है, कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। S ब्लॉक में भी अपन बोले लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ दे, बेरिलियम के एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, कैसे, बेसिक नेचर के। और इनकी बेसिक नेचर होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसका ऑक्साइड है, NaOH, ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। इनके ऑल यहां लिखना, अब लिखना है, आप देखना ये किससे मिलकर बना हुआ बेटा, NaOH से, ऑल एस ब्लॉक, साथ साथ करते जाएं ताकि आपके काफी क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। ऑल एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड ले लो या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये बेटा जी कैसे होते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कैसे, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं बेरिलियम के ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड। अब इनकी बेसिसिटी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है एस ब्लॉक में, ठीक है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिसिटी इंक्रीज, बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और बेटर जी हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज टॉप टू बॉटम, सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती, किसकी, हाइड्रोक्साइड के लिए बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए, हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी सोल्युबिलिटी दोनों ही क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो ये बातें आपको सेकंड ऑप्शन के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है, ये किससे बना है, NaOH से बना है, ठीक है। ऑल एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड
एंड ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, किसको छोड़कर, अपन एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, और बाकी के सारे कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज, टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके लिए बात करें MnO3O4 के लिए। बेटा ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये किससे मिलकर बना हुआ बेटा, MnO प्लस Mn2O3 से मिलकर बना हुआ, किससे, Mn2O3 से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट है, यहां पर दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड की बात और करें अपन, Pb3O4, इसको सिंदूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना हुआ बेटा, PbO प्लस PbO2 से मिलकर बना हुआ है, PbO प्लस PbO2 से मिलकर बना हुआ है। इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। ऐसे ही ये क्या है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। जैसे अपन बात करें Fe3O4, ये भी बेटा जी मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना हुआ है, किससे, FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना हुआ है। तो ये अपने पास आपको ध्यान रखने, तो वैसे अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा। फोर्थ भी क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये किसका मिक्स नहीं सॉरी सिंपल ऑक्साइड है। ये किससे मिला बना हुआ है, MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है किसको, MgOH के होल ट्वाइस को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो अपनी बातें आई हैं, जो इनसे रिलेटेड चीजें थी वो मैं आपको सारी बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज ए कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, मैग्नीशियम है बेटा, मैग्नीशियम की आईपी कम है किसे, एक्स और वाई से, एक्स और वाई से कम है। ठीक है, अपन अभी ये नहीं पता अपन के एक्स की ज्यादा है या वाई की ज्यादा है, परंतु मैग्नीशियम से दोनों की ही ज्यादा है, परंतु आगे देखेंगे अपन ऑप्शन के बेस पर देखेंगे कौन सा क्या आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बट हायर देन दैट ऑफ जेड, मतलब जेड कहां पर आएगा, इस तरफ आएगा, जेड कहां पर आएगा, इस तरफ आएगा, द एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टली। तो देखते हैं फिर जी, अपन इस ग्रुप को ले लेते, सॉरी इस पीरियड को ले लेते पूरे के पूरे, इस पीरियड को लिया मैंने, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड ऑर्गेनिल। अब बेटा इनमें आईपी की अगर बात की जाए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो आईपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, आईपी भी इंक्रीज होगी, परंतु कई जगह प्रॉब्लम आ जाती है, कहां, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल पर, और भेदन क्षमता देखते हैं अपन। देखते हैं मैग्नीशियम की आईपी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, एल्युमिनियम के कंपेयर में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, एस से निकलता है, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है एस की। ठीक है, किसकी तुलना में, एल्युमिनियम की तुलना में ज्यादा, क्योंकि एल्युमिनियम में कहां से निकलता है, पी से निकलता है। यहां बात की जाए, कहां पर, यहां बात की जाए तो फॉस्फोरस की आईपी ज्यादा मिलेगी अपने किससे, सल्फर से, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है, क्या P3 लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, P4 लिखते हैं। बट जी इसको एक करने का तरीका आपको मैं सिंपल सा बताऊं, तो अब देखिए इनमें अगर अपन कंपेयर करेंगे, ये कहां से आगे निकल गया, इससे, तो इसमें वैसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं अपन। सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिली, ऑर्गन की, फिर अपने को मिली क्लोरीन की, फिर अपने को मिली फॉस्फोरस की, फिर अपने को मिलेगी सल्फर की, फिर अपने को मिलेगी सिलिकन की, फिर अपने को मिलेगी मैग्नीशियम की, फिर अपने को मिलेगी सिलिकन की, फिर अपने को मिलेगी किसकी, सोडियम की। तो ये हो गया अपने पास, तो सबसे ज्यादा P6, फिर P5, फिर P3, फिर S4, फिर सॉरी S4 नहीं P4, P4, फिर P2, फिर S2, फिर P1,
फिर एस वन। ये अपने ऑर्डर याद रख लेना बेटा जी, अगर ये ऑर्डर आप करोगे तो अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आईपी टू पूछे, चाहे आईपी थ्री पूछे, चाहे आईपी फोर पूछे। अपन जी आईपी टू का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलते हैं। तो यहां बात करें तो सबसे ज्यादा पी सिक्स, फिर पी फाइव, फिर पी थ्री, फिर पी फोर, फिर पी टू, फिर एस टू, फिर पी वन, फिर एस वन अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनमें अपने पास ये ऑर्डर आया था, तो ये कह रहा है एक्स और वाई की ज्यादा है किससे, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम के किन से क्या है, मैग्नीशियम ये रहा अपने पास, ये इधर सारे हैं इस ऑप्शन में। देखिए बेटा मैग्नीशियम से एक्स वाई और जेड पूछा, तो जेड की तो कम है, कम किसके, सोडियम और सिलिकन। तो यहाँ कम जेड कौन होना चाहिए, यहाँ सोडियम है, सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, तो ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया। फिर कह रहे हैं ज्यादा किसकी किसकी है, अपन देखें क्लोरीन की ज्यादा है परंतु लिथियम की ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गन की ज्यादा है पर लिथियम की ज्यादा नहीं होगी, ये तो पहले कैंसिल हो चुका है। तो अपने पास आंसर बचा एक, कौन सा, फोर्थ, कौन सा बचेगा, फोर्थ। तो यहां पर अपने पास ज्यादा किसकी आएगी, सबसे ज्यादा ऑर्गन, फिर क्लोरीन, इन दोनों की ज्यादा हो गई, फिर किसकी, सोडियम क्या हो गई, कम हो गई, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आईपी रिलेट करनी है, आईपी का रिलेशन बनाना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसकी ज्यादा होगी, आप सोचते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप रख रहे हैं, किसकी आईपी ज्यादा होगी, किसकी आईपी कम होगी। तो इनकी साइज के लिए भी आपको मैं तरीका बता रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। यहां पर साइज के ऑर्डर बताएंगे, यहां पर इनके आईपी का ऑर्डर बताएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, यहां देखिए बेटा साइज का ऑर्डर बताना है, साइज का ऑर्डर बताएंगे तो साइज क्या करोगे, ऐसे 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 और ऐसे, सबसे स्मॉल बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम। याद करने का तरीका, मेरा नाम, मेरा नाम मतलब एम एन, एन से नाम, एम से मेरा। ठीक है, यहां अगर आईपी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, आईपी की बात की जाए, तो आईपी बेटा जी याद करने का तरीका यह है, लिथियम को कहां लेकर आ जाओ, लिथियम को अपन लेके आ जाएंगे स्ट्रोंशियम के और बेरियम के बीच में लेके आ जाएंगे। एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप की आईपी सभी की ज्यादा होती है किससे, फर्स्ट ग्रुप से, सिर्फ और सिर्फ लिथियम की आईपी बेरियम से ज्यादा होती है। तो यहाँ आईपी का ऑर्डर सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम। अगर एस ब्लॉक में पूछा जाए सबसे कम आईपी किसकी है, तो सबसे कम आईपी सीजियम की और मैक्सिमम आईपी किसकी है, बेरिलियम में की है। इनकी आईपी ज्यादा होने के कारण ही ये फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे, कौन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू हाई आईपी, ड्यू टू हाई आईपी। ठीक है बेटा, बाकी सारे फ्लेम टेस्ट देखें, देखिए ना इसमें कलर आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आया भी हुआ है, लिथियम एंड स्ट्रोंशियम की, लिथियम एंड स्ट्रोंशियम की फ्लेम टेस्ट में सेम कलर नजर आता है, क्रिमसन रेड, क्योंकि इनके आईपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसका बेटा कलर कैसा आता है, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल, इसका कलर कैसा आता है, क्रिमसन रेड, क्रिमसन रेड। ठीक है, इसका आता है एप्पल ग्रीन, इसका कैसा कलर आता है, एप्पल ग्रीन कलर आता है। ठीक है, इसका गोल्डन येलो, इन दोनों का ही बेटा, इन दोनों का ही कैसा आता है, क्रिमसन रेड आता है, लिथियम और स्ट्रोंशियम का। आगे मैं कलर, एक क्वेश्चन आएगा उसमें बात करूंगा बाकी सबके कलर की। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है आईपी का क्या ऑर्डर आएगा और साइज का क्या ऑर्डर आया, क्योंकि इनको मिक्स करके भी वो कई बार पूछ लेता है। अब एक चीज और याद रखना, यहां पर वो लिथियम और मैग्नीशियम के लिए एक बात और करता है, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, विकर्ण संबंध होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल, वैसे तो अपन क्या लिख देते हैं, लिथियम की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है किसके, मैग्नीशियम के लिए, पर बेटा कई बार वो एक्यूरेट के लिए बात कर लेता है।
कि एक्यूरेट बताओ कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, एक्यूरेट बताओ कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, या फिर पर्टिकुलर नंबर देकर पूछ लेता है। तो अपन बात करें लिथियम और मैग्नीशियम में बात करें तो बड़ी किसकी होती है साइज, मैग्नीशियम की बड़ी होती है। देखिए लिथियम से मैग्नीशियम की ओर गए थे, परंतु आयनिक साइज दे दे, वो आयनिक साइज दे दे, लिथियम प्लस वन दे दे और मैग्नीशियम प्लस टू दे दे, यहां साइज की बात करें तो यहां अपने को साइज किसकी स्मॉल मिलेगी, मैग्नीशियम प्लस टू की साइज स्मॉल मिलेगी किससे, लिथियम प्लस वन से। जब आयनिक इन्हीं में आयनिक साइज के लिए आपसे बात करेगा तो आप क्या करना, लिथियम को मैग्नीशियम की जगह और मैग्नीशियम को लिथियम की जगह ले आना। जब आयनिक साइज की बात करें तो मैग्नीशियम कहां जाएगा, ऊपर, और लिथियम कहां जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो ये मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन थे यहां पर जैसे जैसे बन सकते हैं सारे आपके सामने क्लियर करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा जी यूज आए हैं, यूज बताने हैं इनके, किसके किसके क्या क्या यूज है। सबसे पहले एक थोड़ा सा दिमाग में रखना, यूज अपने को एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो यूज पढ़ने हैं, यूज पर काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको मैं फिर कहता हूं ब्लॉक केमिस्ट्री में जब भी बात करोगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री में अपने को जो यूज हैं उनको आप देख लेना, एनसीईआरटी में से निकाल के कॉपी में रिटर्न कर लो और उन्हें याद करो, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप तुम्हें यूज याद हो जाएंगे, वरना यूज इतनी जल्दी याद नहीं होंगे कि मिक्स होते रहेंगे। इसलिए अपने को क्या करना है, सभी को एनसीईआरटी के जितने भी यूज दे रखे हैं, एनसीईआरटी से ही यूज पूछा जाता है बेटा, यूज दे रखे हैं तो उनके यूज को निकालो, कॉपी में लिखो, उनको रिटर्न करो। और दूसरी बात, यहां पर एक चीज याद रखना, जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है, जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है तो उसका दिमाग में रखना कि उसका यूज ज्यादातर किसमें होता है, कैंसर उपचार में होता है, कैंसर की थेरेपी में काम आता है, कौन सा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहां अपने को दिख रहा है, सबसे पहले यहां देखिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा। देखो इस क्वेश्चन को सबसे ईजी हो जाएगा, मान लो आपको बाकी नहीं आ रहे, परंतु एक चीज दिमाग में मैंने आपके बिठा दी कि कैंसर के इलाज के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादातर यूज होते हैं, मैक्सिमम बार बता रहा हूं आपको। तो यहाँ रेडियो एक्टिव आपको कौन नजर आ रहा है, रेडियम नजर आ रहा है, कौन आ रहा है, रेडियम। तो ये किसके उपचार में आएगा, कैंसर के उपचार में आएगा, किसमें बेटा, कैंसर के उपचार में। देखिए फोर्थ का फर्स्ट ए के ऑप्शन में दिया गया है, सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। वरना कई बच्चे ऐसे करके आते हैं, हमें तो याद ही नहीं है, मिक्स करते रहते हैं कि यहां पर क्या क्या होता है। एक सिंपल सा पॉइंट आपको मैंने बताया, उसके बेस पर अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपने को नंबर मिल गए अपने। डी में फर्स्ट है तो डी में फर्स्ट ए की है तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। तो और मिला लेते हैं कौन सा है, तो देखिए ए का फोर्थ दे रखा है, तो ए का फोर्थ ये रहा अपने पास, मतलब ये विंडो ऑफ एक्से ट्यूब बनाने में काम आता है, कौन सा, बेरिलियम। इसका यूज बेटा मोटर इंजन की बेरिंग बनाने में भी किया जाता है वैसे इसका यूज, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए बात करें, बी का थर्ड आ जाएगा अपने पास, ये रहा क्या बना रहा है, ये आग लगने वाले बम और सिग्नल बनाने में। बेटा मैग्नीशियम फीते का यूज भी अपन ने मेटलर्जी में भी करते हैं अपन, ठीक है, काफी जगह मैग्नीशियम फीते का यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम का यूज, बहुत सी धातुओं के ये बेटा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कौन, कैल्शियम, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका यूज अपन किसमें करते हैं, मेटल्स को निष्कर्षण करने में भी यूज किया जाता है। कैल्शियम आसानी से अपने को चूना पत्थर में मिल जाता है, इसलिए इसका यूज अपन इसमें कर सकते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। तो मैं यहां से आपको यही बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट याद रखें जिनसे अपन एक ऑप्शन अगर अपने पकड़ में आ जाए तो बाकी सारे के सारे हो सकते हैं। और ऑप्शन जैसे बनते हैं तो बेटा कई बार तो ऐसे आंसर मिलते हैं अपने को कि एक ऑप्शन अगर अपने पकड़ में आ गया तो सारे आंसर अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम 1.02 एंगस्ट्रॉम, द आयनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टली। बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं वो कैलकुलेट करने वाले नहीं होते। कई बच्चे सोचते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो डाटा रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ याद रटे। ऐसे क्वेश्चन बेटा ऑप्शन बेस पर होते हैं हमेशा, कि आपको सोडियम की रेडियस दे दी गई है और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की पूछ ली गई है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप उनको पहले अरेंज करें, ये मैंने सोडियम रखा, ये मैंने मैग्नीशियम रखा, ये मैंने एल्युमिनियम रखा। बेटा जी देखिए इनमें खासियत, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिया जाएगा, बिना रिलेशन डाटा सारे आपको याद नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आईपी के करोगे, ईए करोगे, रेडियस के करोगे, आयनिक रेडियस के करोगे, डेंसिटी के करोगे, किसके किसके डाटा याद रखोगे आप। ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर बनाता है वो भी जानता है कि बच्चे को इतना सब कुछ याद नहीं रह सकता, तो इनमें रिलेशन देखता है। देखिए ये चीज है इसमें, इसमें बात करें कि ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, कितने इलेक्ट्रॉनों की, 10 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, 10 10 10।
जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आए तो उनमें सबसे पहले जेड इफेक्ट दें, और आपने को पता है जेड इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा साइज वैसे वैसे डिक्रीज होगी, और जेड इफेक्ट आए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जेड इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, जेड बाई ई से कैलकुलेट करोगे, किसे, जेड बाई ई से। यहां पर कैलकुलेट किया 11/10, 12/10, 13/10, तो यहां देखा मैंने 1.3, यहां देखा मैंने 1.2 और यहां देखा मैंने 1.1, ठीक है। अपन देखें यहां पर कितना आ गया, 1.3 आ गया, यहां पर कितना आ गया, 1.2 आ गया, यहां पर कितना आ गया, 1.1 आ गया। तो यहां पर देखा, यहां से यहां देख रहे हैं कि Z इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, Z इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगी। तो अपने देखा इसकी साइज अपने को दे रखी कितनी बेटा, 1.02 एंगस्ट्रॉम दे रखी, कितनी 1.02। तो अपन देखेंगे इससे कम ही आएंगी दोनों की, ऐसा ऑप्शन देखें कि इससे इसकी भी कम आए। देखिए मैंने पहला देखा कि 0.72 इससे कम है, तो ये 0.72 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, फिर 0.52, फिर 0.54, तो यही पहला ही ऑप्शन आ गया। सेकंड लेते, देखिए यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है तो ये नहीं होता, देखिए यहां भी यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है, परंतु ये वैल्यू किससे बड़ी है, इससे बड़ी है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यहां देखें यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा बेटा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, और अपने को आइसो इलेक्ट्रॉन बेटा जी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे तो वो आप आईआईटी ले लें, चाहे एनआईटी नीट ले लेते, कोई सी भी चीज में अपन देखेंगे उनमें सभी में क्वेश्चन काफी बार यहां से पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें और एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे अपन देखा C-4, N-3, O-2, F-1, सोडियम प्लस वन, मैग्नीशियम प्लस टू एंड एल्यूमिनियम प्लस थ्री। तो यहां साइज का ऑर्डर क्या आएगा अपने पास, ये साइज का ऑर्डर आ जाएगा। अगर बेटा सम आयन, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, अगर एक ही आयन के लिए बात करें, जैसे ये बात की, ये पूछा हुआ है जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें साइज पूछी थी, इनमें भी आंसर अपन किससे देंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एलिमेंट के लिए बात कर रहा है, तो आप उसमें भी आंसर अपने किससे देने हैं, जेड बाई ई से देने हैं। जब भी एक इलेक्ट्रॉन के, एक एलिमेंट के लिए बात करता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर साइज डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर साइज इंक्रीज होगी। तो यहां पर बात करें तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा, एच माइनस, एच और एच प्लस के लिए बात करेंगे, ठीक है बेटा। और आईपी के लिए अगर यहां पर बात कर ले आपको, किसके लिए, आईपी के लिए, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आईपी भी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आईपी बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर आईपी डिक्रीज होगी, ठीक है। और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में और एक एलिमेंट के लिए आईपी का मान हमेशा किससे देना बेटा, जेड इफेक्ट से देना है। तुम यही गलती करते हो सबसे बड़ी, तुम क्या करते हो, यहां पर आईपी के लिए छोटी सी बात करता हूं आपके सामने में। जैसे उसने आपको दिया कि बताइए आईपी का ऑर्डर क्या होगा, N-1, N-2, N-3, इनमें आईपी का ऑर्डर क्या होगा। अब क्या करते हो, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हो, इसके लिए P3, इसके लिए P4, इसके लिए P5, इसके लिए P6। सर ने बताया था कि P6 का मैक्सिमम, सर ने कब बताया था, सर ने ऐसे बताया था जब एक आवर्त में बात कर रहे हो आप। ये क्या है, एक एलिमेंट के लिए बात कर रहे हो, जब भी एक एलिमेंट के लिए आंसर दिए जाएंगे हमेशा किससे दिए जाएंगे, जेड इफेक्ट से दिए जाएंगे। और जेड इफेक्ट किससे कैलकुलेट करोगे बेटा, जेड इफेक्ट अपन जेड बाई ई से कैलकुलेट करोगे, किसे, जेड बाई ई से। यहां मैंने क्या देखा, 7/7, 7/8, 7/9, 7/9 एंड 7/10। यहां जेड इफेक्ट कितना है आपका, 0.7 आया, यहां कितना आया, 1 आया, तो जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आईपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो आईपी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, गलत बात है बेटा, एक आयन के लिए कभी फुल फील्ड हाफ फील्ड वालों की बात नहीं करेंगे, एक सेम एलिमेंट के आयनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हां जी अगेन बात करें, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना बेटा। मैंने कहा जब भी मिलान के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सबसे पहले उस ऑप्शन को उठाओ जिसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। अब मैंने इसको उठाया है, ये CaSO4 half H2O, इसको कहते हैं क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये रहा मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अपने पास आ गया B का फोर्थ आ गया,
देखिए बी, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ ऐसे ही करना है, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बी का फोर्थ आएगा, क्या बी का फोर्थ आएगा। सेकंड बात करें बेटा, जहां भी हाइपो का वर्ड लग जाए आपके पास, हाइपो क्लोराइट, हाइपो ब्रोमाइट, तो अपन वहां पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ब्लीचिंग की फॉर्म में बात करेंगे, ब्लीच करने वाले होंगे वो। जब भी हाइपो वर्ड लग जाए, मेरी बातों को आप एक एक को सोच के चलना कि कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। जहां भी हाइपो वर्ड लग जाए, हाइपो मतलब जैसे हाइपो क्लोराइट है, हाइपो क्लोराइट आइट के साथ है, हाइपो कहां आइट के साथ हाइपो आ रहा है, हाइपोब्रोमाइट HOCl, हाइपोब्रोमाइट HOBr, हाइपो आयोडाइट, ये अपन इन दोनों के लिए मेनली बात कर लें। तो बेटा देखिए ये किस में ब्रेक होता है, ये HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है। अपन बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, इसकी ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो एसिड है उसका एनहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछा था। ब्लीचिंग पाउडर का एसिड की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का एसिड मेनली ऑक्सी एसिड किसे बोलते हैं, HOCl को बोलते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर हमेशा नमी की उपस्थिति में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही वर्क करता है, शुष्क ड्राई ब्लीचिंग एजेंट काम नहीं करता। क्यों करता है नमी की उपस्थिति में, तो ये बात करें अपन, ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, वाटर लिया तो ये किस में ब्रेक होता है बेटा, CaCl2 प्लस HCl प्लस COH है, OH का होल ट्वाइस प्लस HCl प्लस HOCl होता है। ये HOCl किस में टूट जाता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही किसका काम करती है, ब्लीच का काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिप्रेजेंट करती है, किसकी, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट की। तो यहां देखिए हाइपो, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्या नाम है, कैल्शियम हाइपो क्लोराइट। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, HOH का, ये बना किससे हुआ है, ये किससे मिलकर बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस था, उसकी रिएक्शन मैंने HOCl से कराई, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा बेस, तो ये बन गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मतलब यहां पर HOCl था जो अपनी नेचर को कभी नहीं छोड़ेगा, वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ब्लीच करेगा। तो अपने को पता लग गया थर्ड का क्या आ जाएगा, सेकंड, ए का क्या आ जाएगा, सेकंड। तो अपन देखें इन ऑप्शन, सॉरी ए का आ गया थर्ड, तो अपन ने देखा बेटा इसमें क्या दे रखा है, ए का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, क्या अपने फर्स्ट ऑप्शन आ गया, फर्स्ट में दे रखा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का, देखिए सी का क्या दे रखा है, सेकंड। सी किसमें काम आ रहा है, सीमेंट में काम आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें काम आ रहा है, एंटा एसिड में काम आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी का फर्स्ट। तो अपना, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं, अगर आपको एक बी मिल जाता है तो उससे कर सकते हैं, या तो पहले से आंसर आ जाएगा या दूसरे से। अगर क्वेश्चन टफ बन रहा है तो वो चारों को ही चेंज करके बनाएगा, चारों ऑप्शन, परंतु ऐसे क्वेश्चन बनाते नहीं है ज्यादातर, वो कैसे बनाते हैं, एक या दो को इंटरचेंज करके बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन रीजन आया हुआ है। Given below the two statement, one is labeled as acceleration A and B, label is R. During the boiling of water having a temporary hardness MgHCO3 का whole twice is converted to MgCO3. It is normally अपन बात करते हैं कि जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं उनको हीट करने पर वो कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं, परंतु यहाँ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, NCERT में भी दे रखा है, साफ साफ कह रखा है, अपने को ये बात याद रखनी है कि जब MgHCO3 को हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 बनाता है, CO2 बाहर, और इसकी अपने को क्या मिल जाती है, PPT मिल जाती है, किसकी, MgOH की। बेटा जी देखो, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, जितने भी मल्टी एटोमिक एनाइन है, जितने भी मल्टी एटोमिक एनाइन है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, पोलराइजेशन पर डिपेंड करती है, ध्रुवण पर डिपेंड करती है। देखो थर्मल स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, अपन बात करें, एक पेज चेंज कर लेता हूं आपके सामने, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी,
बहुत इजी चीज है। पहली पहली थर्मल स्टेबिलिटी अपन किससे देंगे, पहले अगर सिंगल एटम, सिंगल एटॉमिक एटॉमिक एनायन है या स्मॉल एनायन, स्मॉल एनायन हो या सिंगल एटम, एनायन सिंगल एटम एनायन हो या स्मॉल एनायन हो, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेटिस एनर्जी के, किसके लेटिस एनर्जी के। और लेटिस एनर्जी जो भी होती है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 अपॉन Ra प्लस Rc। यहां पर आपको और क्या लिखा हुआ मिल सकता है, या बॉन्ड लेंथ लिखी हुई मिल सकती है, टॉप टू बॉटम जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, चार्ज सेम रहता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो लेटिस एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर सिंगल एटॉमिक एनायन है जैसे अपन बात करें Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cesium2O, इनमें आपको बात करें कि इनमें सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन है, तो इनमें सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cesium2O है, ठीक है। इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, Li2O, Na2O, K2O एंड Rb2O आएगा। ऐसे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनके लिए बात कर ले, या सिंगल एटॉमिक कौन से हो सकते हैं, जैसे हाइड्राइड ले लो, फ्लोराइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ठीक है, नाइट्राइड ले लो, ऑक्साइड ले लो, कार्बाइड ले लो, इन सभी में अगर बात करें सिंगल एटॉमिक जो भी हैं इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी किससे जाएगी, लेटिस एनर्जी से दी जाती है, किसे लेटिस एनर्जी से दी जाती है। और सेकेंड बात करें अपन किसकी, मल्टी एटोमिक एनायन, सेकेंड बात करें मल्टी एटॉमिक एनायन, मल्टी एटॉमिक एनायन जो है, कौन से मल्टी एटॉमिक एनायन है, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन ध्रुवन के, ध्रुवन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है बेटा, मेनली केटायन की साइज, पोलराइजेशन क्या होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू बाई आर के। मल्टी एटॉमिक एनायन कौन सी हो गए बेटा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, परक्लोरेट, सल्फेट, सल्फाइट, ये मल्टी एटॉमिक है सारे के साथ। परोक्साइड, इनके लिए भी याद रखना, परोक्साइड, परोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O2-2, सुपर ऑक्साइड O2-1, और ओजोनाइड O3-, ये सारे के सारे मल्टी एटॉमिक एनायन है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, ध्रुवन पर डिपेंड करती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, केटाइन की साइज इंक्रीज होती जाती है, केटाइन की साइज इंक्रीज होगी ध्रुवन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ध्रुवन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ध्रुवन डिक्रीज होगा तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये जितने भी हैं इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। सुपर ऑक्साइड, परोक्साइड, ओजोनाइड, सबकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। इसीलिए तो बेटा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ही क्या बनाते हैं, ओनली क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी इनमें से कोई भी, एस ब्लॉक में से कोई भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता। और सुपर ऑक्साइड की इनकी, इन तीनों में भी सुपर ऑक्साइड की अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो सीजियम की सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि मैंने आपको एक शॉर्ट वर्ड में बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आए, हम देखते हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर हैविंग ए टेम्परेरी हार्डनेस MgH(CO3)2 इज कन्वर्ट इन MgCO3। बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पर क्या होता है कि इसकी बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, इसको गर्म करते हैं तो बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोक्साइड में चेंज होता है, यहां इसकी पीपीटी मिलती है और CO2 मिलता है। परंतु अगर बेटा जी कैल्शियम कार्बोनेट दिया होता,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ होता तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें चेंज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होता है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी मिलती है अपने को, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल कौन है, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल कौन है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है। और यहां भी बात करें तो यहां कौन बनता, MgCO3 बनता, तो इसका ध्रुवण क्षमता ज्यादा है तो इसको तोड़ देगा और बाद में किसमें चेंज हो जाएगा, यह हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, यह किसमें चेंज हो जाएगा, H2CO3, तो CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों के लिए स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है। तो अपना ए स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ए स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करें, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH इज ग्रेटर देन दैट ऑफ MgCO3, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है इसको, तो अपना आंसर आ जाएगा ए राइट स्टेटमेंट है एंड ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो अपना पहला ही आंसर आ जाएगा, कौन सा, पहला ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफरेंट इन ए म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर साइड, तत्वों का वह समुच्चय जो अन्य पारंपरिक संबंधों से भिन्न है। बेटा जी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे कैसे करें, अब पहले अपने को ये देखना है कि बाकी तीन में कैसा रिलेशन है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इसी क्वेश्चन के बेस पर, जैसे इसमें अपने को दिखा रखा है कि डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रखा है, लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम बोरोन एल्युमिनियम कार्बन सिलिकन, इनमें क्या दिखा रखा है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रखा है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, जिनके नेचर सेम सेम हो, इस सेकंड आवर्त के जो तत्व हैं वो अपने वर्ग के साथ, वो अपने वर्ग के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करके वो अपने से आगे वर्ग वालों से, अपने से आगे वर्ग वालों के तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके फाई के जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, क्या, क्यू बाई आर, ऑलमोस्ट सेम मिलती है अपने को। इसलिए तो देखिए पहले वर्ग में केवल और केवल लिथियम और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है और बाकी वर्ग में कोई भी सीधे नाइट्रोजन से अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो पहले वर्ग में अगर बात करें, लिथियम है जो N2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Li3N बनाता है, ठीक है, दूसरे वर्ग में कोई नहीं बनाता। और बेटा जितने भी नाइट्राइड हैं, मेटल नाइट्राइड हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अपने को क्या मिलता है, अमोनिया बनती है बेटा जी, ये अमोनिया निर्माण की विधि भी है, ये अमोनिया निर्माण की विधि है। ऐसे ही मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप अपने को मिल रही है। तो यहां देखें, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है, लिथियम एंड सोडियम ये बेटा एक वर्ग के हैं, डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित नहीं कर रहे, बोरोन एंड सिलिकन प्रदर्शित करते हैं, लिथियम एंड मैग्नीशियम प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपना आंसर तो कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। पर आपको क्वेश्चन चेंज करता, वो क्वेश्चन चेंज करता कैसे अपन बात करें, तो ये इसका ध्यान रखना, क्योंकि देखिए बेटा ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, सेकंड वर्ग के सभी के सभी क्या करते हैं, सेकंड वर्ग के सभी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, जबकि बेरिलियम का कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का, ये किसके साथ प्रदर्शित कर रहा है, एल्युमिनियम के साथ, क्योंकि बेरिलियम और एल्युमिनियम कैसा प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं, तो ये किसके कारण, डायगोनल रिलेशनशिप या हिंदी में बोलते हैं विकर्ण संबंध के कारण, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी चीजें, ये दोनों ही किससे रिएक्शन करते हैं, ये दोनों ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, दोनों ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते, तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको इनको सेम सेम मिलेगी। ऐसे ही बात करें, फर्स्ट वर्ग के कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, फर्स्ट वर्ग के कार्बोनेट हैं जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के तो टूटकर CO2 नहीं देते, परंतु लिथियम के कार्बोनेट फर्स्ट वर्ग में केवल और केवल लिथियम के कार्बोनेट नाइट्रेट ये टूटते हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नहीं टूटते हैं, ये किसके कारण टूट जाते हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप कैसे जैसे नेचर दिखा रहा है, ये मैग्नीशियम जैसा नेचर दिखा रहा है। अब क्वेश्चन इसको चेंज करता वो, तो देखिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन वैसे ही सेम टू सेम आए, वो ऐसे कह दे कि कौन सा समुच्चय भिन्न है, लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम बोरोन एल्युमिनियम कार्बन फास्फोरस, कौन सा समुच्चय भिन्न है। अब देखिए ये एक वर्ग के हैं, ये एक वर्ग के हैं, ये एक वर्ग के हैं, परंतु ये एक वर्ग के नहीं है, इसलिए यहां पर आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा,
ये अपने को ऑप्शन देख के अपने को पता लगाना है कि किस में क्या क्या चेंज आएंगे, ठीक है। ऑप्शन देख के ध्यान देना कि कौन से चेंज आ रहा है, किस बेस पर पूछना चाहता है, ऐसे मत आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। कह रहे वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ NH3 बाय सॉल्वे प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा सॉल्वे प्रोसेस, एस ब्लॉक में काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके द्वारा अपन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन का मेथड है ये, क्या है वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन का, इस पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया तथा CO2 को वाटर में से पास किया जाता है, अमोनिया तथा वाटर को CO2 को वाटर में से पास किया जाता है। सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट NH4 CO3 अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस अमोनियम कार्बोनेट में एक्सिस में क्या पास किया जाता है, इस अमोनियम कार्बोनेट में एक्सिस में CO2 पास की जाती है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है NH4HCO3। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया NH4HCO3 की अभिक्रिया अपन NaCl से कराते हैं, नमक सॉल्ट से कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। बेटा जी यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है, ये अघुलनशील या कहें आंशिक घुलनशील, बहुत कम घुलनशील होता है, आंशिक घुलनशील या फिर अघुलनशील होता है। इसको छान कर अलग कर लिया जाता है, फिल्टर करके इसको अलग कर लिया जाता है, उसके बाद में इसको गर्म किया जाता है NHCO3 को, बाइकार्बोनेट को अपन गर्म करेंगे तो ये किसमें बदल जाते हैं, नॉर्मली बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं और CO2 और H2O बाहर निकल जाती है। यहां बेटा जी एक साइड प्रोडक्ट मिलता है अपने को, कौन NH4Cl, ये काफी इंपॉर्टेंट। देखो अगले ने कहा है वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ अमोनिया, अमोनिया की वापस रिकवरी करनी है, यहां अपने को बाय प्रोडक्ट मिला कौन NH4Cl। यहां पर मैं बात करता हूं क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इस विधि के द्वारा, कौन सी सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा क्या पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण किया जा सकता है, इस विधि के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो यहां पर मध्यवर्ती कौन बनेगा, यहां पर बनेगा बेटा जी कौन मध्यवर्ती, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यहां मध्यवर्ती बनता है कौन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बाकी पोटेशियम लेके चलेंगे यहां KCl लेंगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील होता है, इसलिए उसको छान कर अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन ये कहेंगे कि इस विधि के द्वारा कौन सी सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये बनता है, NCERT में साफ साफ दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जो अमोनियम क्लोराइड है, पुनः अमोनिया कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसे अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अपन किसी भी बेस से करा दें। बेटा जी ये अमोनिया निर्माण की विधि भी आती है आपके पास, किसी भी बेस से करा दें। मैं अपने पास बेस लेते हैं अपन, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं नॉर्मली इस विधि में, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस CaCl2 का निर्माण हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस कम होने का, CaCl2 का निर्माण हो जाता है, तो अपना आंसर तो क्या आ जाएगा, आंसर तो अपना थर्ड आ जाएगा, CaCl2 का निर्माण होता है। तो बेटा जी याद रखिए यहां से अमोनिया बनी, इसको रिसाइकलिंग में यूज ले लिया जाता है बार बार, और यहां पर CO2 बन रही है तो CO2 को वापस यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो सॉल्वे प्रोसेस आपको मैंने पढ़ा दिया है, सॉल्वे प्रोसेस में पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता बता दिया आपको, साथ में इसमें साइड प्रोडक्ट कौन बनता है, NH4Cl बनता है, इससे पुनः वापस अमोनिया कैसे बनाई जाती है, इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, बेस से कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये आगे अमोनिया निर्माण की विधि भी आती है आपके सामने, तो अमोनिया निर्माण की दो विधियां मैं आपको बता चुका हूं, एक तो नाइट्राइड का जल अपघटन कराते हैं तो उससे क्या बनता है, अमोनिया बनती है, दूसरे अमोनियम क्लोराइड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो भी अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। साथ साथ में आपको अमोनिया निर्माण की विधियां भी याद हो गई हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, तो अपना इसमें आंसर आ जाएगा बेटा, थर्ड आंसर आ जाएगा, कौन सा थर्ड आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं।
both CaCl2-6H2 and MgCl2-8H2 undergoes dehydration on heating. यहाँ पर एक बेटा छोटी सी बात आपको नॉलेज के लिए और बता दें, जी दो कंपाउंड है मेरे पास, एक आयनिक कंपाउंड है और एक सैसोजे कोवलेंट कंपाउंड है. बेटा जी जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका नेचर होता है हाइड्रेशन का, उनका नेचर होता है हाइड्रेशन का, और कोवलेंट कंपाउंड का नेचर होता है हाइड्रोलाइसिस का. दोनों डिफरेंट है. हाइड्रेशन में जल का अणु पूरा का पूरा जुड़ता है, उसको आयन को चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि जल अपघटन में क्या होता है, जो जल वाटर मॉलिक्यूल आता है वो खुद भी ब्रेक होता है और उस कंपाउंड को ब्रेक करके नए प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है. ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, जल अपघटन, जल की प्रेजेंस में टूटना. ठीक है, जबकि हाइड्रेशन क्या, जल के अणुओं का पूरा वैसा का वैसा जुड़ जाना. और जल अपघटन किसका नेचर है, जल अपघटन सहसंयोजक यौगिक या कोवलेंट कंपाउंड्स का नेचर है, जबकि आयनिक कंपाउंड का क्या है, जल योजन या हाइड्रेशन. अब देखिए बेटा, कैल्शियम CaCl2 एंड 6H2O ये कैसे नेचर का है, ये आयनिक नेचर का है. और ये कैसे नेचर का है, ये यहां पर Mg कोवलेंट नेचर का है, Mg कोवलेंट नेचर का है, जबकि कैल्शियम क्या है, CaCl2 6H2O आयनिक नेचर का है. तो कहता है डिहाइड्रेशन अंडरगोड, बेटा डिहाइड्रेशन नहीं होगा इसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा. ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, लिथियम के क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि लिथियम के जो फ्लोराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं. सेकेंड ग्रुप के लिए बात करें तो बेरिलियम के सभी हैलाइड कैसे होते हैं, बेटा बेरिलियम के सभी हैलाइड कोवलेंट नेचर के होते हैं, जबकि मैग्नीशियम के फ्लोराइड आयनिक नेचर के, मैग्नीशियम के क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होते हैं, उनको क्या लेकर चलेंगे अपन, कोवलेंट नेचर के लेकर चलेंगे. बाकी एस ब्लॉक के जितने भी हैलाइड हैं सभी के सभी कैसे नेचर के होते हैं, हाइड्रेशन आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उनका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा. और उनको हीट करोगे, उनके जो वाटर, उनके जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो बाहर निकल जाएगा और हैलाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा. जैसे CaCl2 6H2 है, इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, जबकि यहां पर Cl बाहर निकल जाएगा, MgOHCl का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर. ठीक है, समझ में आई बात, कि जो आयनिक है उनका क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, जबकि इनका साथ में जल अपघटन भी प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन. तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग स्टेटमेंट है. सेकंड देखते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, वेयर इज द ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज एसिडिक. ये बातें कर चुके हैं बेटा, इस ग्रुप के सभी बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. और इनकी बेसिक नेचर अपन बता कर चुके हैं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, इंक्रीज होती है, इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होती है, परंतु हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है, हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज, ऑक्साइड की डिक्रीज, क्योंकि ऑक्साइड सिंगल एटम तो उसके आंसर किससे देंगे, लैटिस एनर्जी से, BeO की अपने को ज्यादा मिलेगी, जबकि बात करें किसके, हाइड्रोक्साइड की, वहां आंसर किससे देने हैं, पोलराइजेशन से देने हैं. ठीक है, क्योंकि डायएटॉमिक हो गया ना, OH माइनस. ठीक है, तो अपना सेकंड आंसर भी गलत हो गया, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, आंसर आ जाएगा अपना सेकंड. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द करेक्टर्स ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड विद एटोमिक नंबर रिस्पेक्टली 35, 53 एंड 83. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 33 कौन आता है, 53 कौन आता है, 83 कौन आता है. तो अपन बात करें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, इसके लिए बात करें तो अपने पता है ये कौन है, AS, ये कौन है आयोडीन, ये कौन है बिस्मिथ. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, मेटलॉइड, या बोले उपधातु, ये अधातु और ये धातु हो जाएगी. तो एक्स तो हो गया अपने पास उपधातु, एंड वाई अधातु,
जेड हो जाएगा धातु, तो अपने पास फोर्थ आंसर अपने पास आ जाएगा, कौन सा फोर्थ अपने पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, H2O2 के बारे में सही कथन है बेटा जी। H2O2 काफी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो H2O2 से ही पूछे जाते हैं। आईटी में एक बार इसके निर्माण के लिए भी बात की चुकी, मॉडर्न मेथड है जो एंथ्रोक्विनोन से जो बनाते हैं उससे बात कर चुका है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है आपको कि ये कैसा कैसे नेचर का है। H2O2 के बारे में सही कथन है, पहला कह रहे हैं यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट, अपशिष्टों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बेटा जी, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका यूज अपन कर सकते हैं क्या अपशिष्टों के उपचार में, अगर वो हानिकारक नहीं है अपने नेचर के लिए ज्यादा तो अपन उनका यूज किसमें कर सकते हैं, अपशिष्टों का मतलब बेकार चीजों को खत्म करने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। तो अब तो ये देख लेना कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो और साथ में वो अपने नेचर को खत्म नहीं कर रहा है, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो अपशिष्टों के उपचार या फिर अपन बात करें इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, सही कथन का पहचान कीजिए। अच्छा, नीचे ऑप्शन और दिए हुए अपने पास, यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां मैं बात करता हूँ, कई बच्चे समझ में नहीं आता सर ये कैसे, कब ऑक्सीडाइजिंग होगा कब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके लिए बात करें और कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। बेटा जी, कोई भी एलिमेंट अगर अपने अपर ऑक्सीडेशन स्टेट, अपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे KMnO4 वो +7 में है, तो वो कभी भी किसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो हमेशा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, CO2 अपने पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और SO2 अपन बात करते हैं, तुम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हो, CO2 और SO2 है दोनों काफी नेचर सेम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये मिल्क वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की वाटर में चेंज कर देते हैं, मिल्की कलर ला देते हैं। ठीक है, परंतु इनमें एक चेंज बताते हैं कि CO2 किसकी तरह बिहेव नहीं कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, परंतु SO2 कर सकता है। क्यों? CO2 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो हमेशा किसकी तरह कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। कोई भी अपनी मैक्सिमम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में, माइनस जैसे मैं आपको बात करूं H2S सल्फाइड है, यहां S-2 है, सल्फर मैक्सिमम -2 ही रख सकता है, तो यहां H2S कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये हमेशा और हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने क्या अपनी ट्रिक क्या निकली, अपना तरीका क्या निकला, जो अपनी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर बीच वालों का क्या करें, बीच वाले बेटा दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, SO2 +4 में है, ये +6 की ओर भी जा सकता है, ये 0 की ओर या -2 की ओर भी जा सकता है, तो SO2 दोनों की तरह बिहेव करता है। ऐसे O2 के लिए बात करें, H2O2 में बात करें, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है, कितनी है, -1 है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, सामने वाले पर डिपेंड करता है, अगर सामने वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है, अगर सामने वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहे हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल समूह एक ही तल में होते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब जी मैं यहां एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, इसको ढंग से सुनना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, जिनमें भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा नॉन प्लेनर एंड पोलर होते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, कई लोग इसको हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर बात करें कैसी होंगी, पोलर एंड नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब यह हुआ कि ये दोनों हाइड्रोक्सिल समूह हैं जो एक प्लेन में नहीं है, ये दोनों
अलग अलग प्लेन में है। फिर अपने को ये कैसे पता चलेगा कि किसमें ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है और किसमें ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है? बेटा जी, जिनमें भी दो sp3 हाइब्रिड, दो sp3 संकरित परमाणु आपस में जुड़े हों, कंडीशंस, दो सिग्मा दो लोन पेयर, वो हमेशा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन ये लिख सकते हैं, व्हेन टू sp3 हाइब्रिड एटम, कंडीशन क्या, दो सिग्मा दो लोन पेयर अटैच विद ईच अदर, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन बुक लाइक। मतलब क्या है, दो, जब भी दो sp3 संकरित परमाणु आपस में जुड़े हुए, कंडीशंस दोबारा बता रहा हूं, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है कि दो सिग्मा दो लोन पेयर होना चाहिए, वो सभी के सभी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बात करूं H2O2 दो लोन पेयर, दो सिग्मा, इसके पास दो सिग्मा है, इसके पास भी दो सिग्मा है, HCl O2F2, या बात करो H2CN का होल स्क्वायर, ये भी सेम वैसे ही बनेगी, या अपन बात करते हैं H2SO5, इसका नाम क्या, कैरोज एसिड या पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हो बेटा, पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। इसकी स्ट्रक्चर बात करें, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O H, ये यहां पर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें भी sp3, दो sp3 एटम आपस में अटैच हो, दो सिग्मा दो लोन पेयर वाले, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और ये याद रखना बेटा, जितनी भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है ऑलवेज पोलर होंगी और नॉन प्लेनर होंगी, कभी भी एक प्लेन में नहीं आएंगी जितनी भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। पानी के साथ मिश्रण नहीं है, बिल्कुल बेटा जी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ खुश रहता है, ठीक है, ये पानी के साथ खुश रहेगा। जैसे अल्कोहल हो गया, H2O2 हो गया, फिनोल हो गया, ये पानी के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और मस्ती से रहते हैं। तो अपना आंसर कौन सा आ गया इसमें, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ भी सही है। तो ए बी एंड डी आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर जिनमें भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है वो प्रतिबंधित घूर्णन स्ट्रक्चर रोटेशन प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट लिख लेना, नोट कर लेना, जिनमें भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है वो प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन कौन प्रदर्शित करता है, जिनमें डबल बॉन्ड हो, जिनमें ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हो, या जिनमें अपन बात करें सेतु बंध हो, ब्रिज बॉन्ड हो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, वो भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इन बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करें, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। बेटा जी, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बात कर चुका है, तो अपने दिमाग में रखें कि नॉर्मली जो मेटल्स होती हैं, नॉर्मली दो मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो देखिए बेटा, ये दोनों ही, ये सॉरी, पहले तो उदासीन दिमाग में बिठा लें, उदासीन कौन कौन है, उदासीन, न्यूट्रल, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल, N2O, NO, and CO, ऑक्साइड बता रहा हूं, H2O को अपन बात नहीं करें। इसका नाम है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसको तो आप सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेटा जी यहां पर पैरामैग्नेटिक होता है, कलरलेस, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक, मतलब अणुचुंबकीय होता है, इसका ध्यान रखना है। एनओ कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, अणुचुंबकीय, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है वायु में, जैसे ही खुला छोड़ोगे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 में बदल जाएगा, NO2 मतलब ब्राउन कलर की गैस में, वायु में रखने पर एयर में ये किस में बदल जाएगा, N2O NO2 में बदल जाएगा,
और NO2 के बारे में तो आप सब जानते ही हो, ये ब्राउन गैस है। बॉन्ड एंगल 134 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल 134, sp2 हाइब्रिडेशन, एसिडिक होता है ये, पैरामैग्नेटिक होता है ये, और इसको ठंडा करने पर, इसको कूलिंग करने पर ये किस में बदल जाता है, N2O4 में बदल जाता है, और ये N2O4 कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, कलरलेस, डायमैग्नेटिक कलरलेस। तो ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ब्लो केमिस्ट्री भी आपकी कवर हो रही है बेटा, ठीक है। उदासीन ऑक्साइड कौन से हैं, N2O, NO एंड CO, N2O का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, इस NO का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, NO को अगर एयर में खुला छोड़ दोगे तो वो NO2 में चेंज हो जाता है, NO2 क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होता है, NO कैसा था, पैरामैग्नेटिक मतलब अणुचुंबकीय, कलरलेस, NO के लिए बात करें ब्राउन गैस है, 134 डिग्री बॉन्ड एंगल, sp2 संकरण, एसिडिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, कूल करने पर, ठंडा करने पर N2O4 में चेंज हो जाता है, डाइमर बना लेता है, ये कैसा था, डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है, कैसा था, कलरलेस होता है, ठीक है। इनकी बातें अपन करें, वो कई बार पूछ लेता है 5 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NO2 का कलर होगा, ये कलरलेस होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो किस में चेंज हो जाएगा, N2O4 में चेंज हो जाएगा, जो कलरलेस होता है। तो ये दोनों, ये कैसा हो गया उदासीन, और ये कैसा बेटा बेसिक, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, तो ये कैसा हो जाएगा बेसिक बेरियम ऑक्साइड, ये कैसा कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक बिना बुझा चूना किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को, जैसे इसमें पानी डाल देंगे बुझ जाएगा, अपन कहते हैं ना आग बुझा दो, मतलब पानी डाल दिया, मतलब पानी डालते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये कैसा होगा एसिडिक, ये कैसा होगा एसिडिक, ये कैसा होगा बेसिक, ये H3BO3 का ऑक्साइड है, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये दोनों ही कैसे होंगे एसिडिक होंगे, ये दोनों ही एसिडिक होंगे, कौन B2O3 एंड SiO2 दोनों ही कैसे होंगे एसिडिक नेचर के होंगे, तो अपना आंसर तो बेटा कौन सा आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, कौन सा आ जाएगा फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केल्विन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट केल्विन। सबसे पहली बात तो ये करते हैं बेटा, केल्विन है क्या, केल्विन है क्या, ये अपन हाइड्रोजनस कंपाउंड से आया हुआ क्वेश्चन है। केल्विन के लिए बात करें, ये व्यापारिक नाम है किसका, सोडियम मेटाफॉस्फेट, हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट, हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट क्या होता है बेटा, NaPO3, ये होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम मेटाफॉस्फेट का हेक्सामर है Na6P6O18, Na6P6O18 हो गया, ये सोडियम हेक्सा सोडियम, हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसी का व्यापारिक नाम क्या है, कैल्गोन है, क्या है इसी का व्यापारिक नाम क्या है, कैल्गोन है, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या सही है, तो अपने ये बताया कि इसको क्या कहा जाता है, हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट, या इसको व्यापारिक नाम क्या है, कैल्गोन भी है, ठीक है। अब देखते हैं कैल्गोन में पृथ्वी के भार के अनुसार दूसरे सबसे प्रचुर तत्व है बेटा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो अपना आंसर पहला ही क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। इसे ग्राम का नमक कहा जाता है, यह एक बहुलक यौगिक है जो पानी घुलनशील है, ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये अवक्षेपण द्वारा कैल्शियम, इसका यूज ही इसमें किया जाता है क्या, पानी की वाटर की हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस, इसका यूज किसमें किया जाता है, स्थाई कठोरता को हटाने के लिए, स्थाई कठोरता को हटाने के लिए,
स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको कैलेगन प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं, थैलियम शो टीएल प्लस वन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे तो इस पहली लाइन का कोई इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इनसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी किसकी, 16 ग्रुप की पूछी है। तो अपन बात करें बेटा, नॉर्मल आपने बात की होगी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टी, इनके लिए बात करें तो अपन नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं कि सल्फर की ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन की तुलना में, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है, रिपल्शन ज़्यादा मिलता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसकी ईए के मान, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। परंतु अगर अपन बात करें एक्यूरेट, तो ऑक्सीजन की इतनी कम होती है कि वो कहाँ आ जाता है, टीई के नीचे आता है, सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, सल्फर के, फिर सेलेनियम के, फिर टीई के, फिर ऑक्सीजन के, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगर बात करता किसकी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें बात करता तो फ्लोरीन ज़्यादा नीचे नहीं जाता, फ्लोरीन की कहाँ आती है, क्लोरीन से नीचे आती है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आ जाता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। परंतु बेटा कई बार वो किसकी बात कर लेता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें कंपेयर करा लेता आपस में। अब कंपेयर या तो डाटा याद रहे या मेरे तरीके अपनाओ, इनमें सीधा सीधा याद रखना, ऐसे बना देना zigzag structure, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस और सबसे कम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, किसमें, पॉजिटिव में आती है। तो ये चीजें थोड़ी सी इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए बी सी की खोज कीजिए। बेटा देखिए क्या चीज है, ये पूरा का पूरा सोलवे प्रोसेस है, पूरे का पूरा सोलवे प्रोसेस है अपने पास, ठीक है। ए बताना है, ए बताना है अपने को, बी बताना है एंड सी। अभी अभी अपन सोलवे प्रोसेस के बारे में बता के आए हैं, तो इसमें क्या मिलाएं, H2O मिलाएं। ए क्या हो गया, H2O, H2O कितने में है, दो में। बी में अपने क्या किया, कार्बोनेट बना चुका है, एक्सिस में क्या मिलानी थी, CO2, तो बी हो गया CO2। तो देखिए सारे कैंसिल हो चुके हैं, एक ही बचा है फर्स्ट ही। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब भी मिलान का क्वेश्चन आए, एक एक को उठाते जाएं, करते जाएं, आपको दिमाग में पहला आया उसको, पहला जो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करें कि हाँ इसके बारे में मेरे को पता है, तो सबसे पहले उसी को लगाएं। सी बात करें, बाइकार्बोनेट की NaCl से रिएक्शन कराई थी, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया था, जिसको छान कर अपने अलग कर लिया था, उसको हीट किया था, ठीक है। तो अपन सॉल्व प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो आया हुआ है दोबारा, तो बात कर रही की इसकी पहले कर चुका हूं, तो इसका मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा यहां पर इसकी, क्योंकि क्लास काफी लंबी होती जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड डज नॉट फॉर्म MO2। MO2 टाइप का ऑक्साइड कौन नहीं बनाता, मतलब जो क्या प्लस 4 नहीं रिप्रेजेंट करेगा कौन, YbMO2 टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड है। हैलोजन की बंद वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम है, ये आप काफी बार बात कर चुके हो, अतिव्यापन ओवरलैपिंग, अपने पास ज्यादा यहां पर क्लास काफी लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा शॉर्ट वर्ड करते हुए चलते हैं। ओवरलैपिंग साइज के इनवर्स होती है नॉर्मली, तो इनमें बोन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, F2Cl2Br2I2 होना चाहिए था, परंतु बेटा जो सेकेंड वर्ग के तत्व हैं, सेकेंड आवर्त के तत्व हैं, पीरियड के तत्व हैं, उन पर क्या होता है, लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनकी बोन एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए फ्लोरीन की बोन एनर्जी इतनी कम हो जाती है, होना क्या चाहिए था, F2Cl2Br2 and I2 इतनी कम हो जाती है, ये कहाँ जाता है, Br2 के नीचे, तो सबसे ज़्यादा अपने को बोन एनर्जी Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2 की मिलती है। अब गड़बड़ क्या करते हो, मैंने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड एनर्जी के ऑपोजिट होती है, ये मैं पढ़ता हूँ हर बार, दिमाग में बिठा रखा है, आप रटने की तो आपको आदत है ही, कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्स होती है, तो यहाँ मेरे को बॉन्ड एनर्जी याद है,
कि सबसे ज्यादा Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2, वो बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है, आप जस्ट इसका ऑपोजिट बता के आ जाते हो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाए। बेटर जी बॉन्ड लेंथ ये नॉर्मल कंडीशन के लिए बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्स होती है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, नॉर्मल कंडीशन के लिए। परंतु जैसे ही अब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है तो बॉन्ड लेंथ के आंसर किससे देने हैं, बॉन्ड लेंथ के आंसर अपने को साइज से देने हैं। साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अपन इनके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ F2, Cl2, Br2 एंड I2, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आता, ये आता। अब कंफ्यूज और कहाँ होते हो तुम, मैं साथ में आपको बता रहा हूं, आपको पूछा इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या करते हो, जो आपको ये याद है ये लगा देते हो, ये याद है ये लगा देते हो। बेटा जी यहाँ लोन पे रिपल्शन का इफेक्ट तभी पड़ता है जब दोनों सेकंड पीरियड के हों और दोनों के ऊपर लोन पेयर हो, अगर दोनों के ऊपर लोन पेयर नहीं हुए तो लोन पेयर रिपल्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, या एक सेकंड पीरियड का एक थर्ड पीरियड का, तो भी लोन पेयर रिपल्शन नहीं देखेंगे। लोन पेयर रिपल्शन कब देखना है, जब सेकंड पीरियड के हों, दोनों के ऊपर लोन पेयर हो, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहां बात करेगा बॉन्ड एनर्जी की, तो सीधा सा किससे दोगे, ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग इनवर्स होती है साइज के, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी अपने को किसकी मिलेगी, HF, HCl, HBr और HI की। इसीलिए टॉप टू बॉटम जाते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी, ये जल्दी टूटेगा, जल्दी H+ देगा, तो इसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। ओके, ये क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन बता दिया, नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ जी, एल्युमिनियम के NOH के साथ रिएक्शन कराई, X बन गया, Y की प्रेजेंस में Z बन गया, तो ये क्या चीजें हैं, सॉरी एल्युमिनियम की NOH से रिएक्शन कराएंगे, पहले क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है क्या, NaAlOH का होल 4। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एक छोटी सी बात बताऊं आपको, जो एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करते, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एल्यूमिनियम है स्ट्रॉन्ग NaOH से रिएक्शन करके H2 भी देती है और इसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये बन गया है तो इसमें CO2 पास करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया पहला, इसमें दो में दे रखा है, फिर बात करें CO2 पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 का होल थ्राइस प्लस H.XS2O का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, तो 18 क्वेश्चन का अपना फर्स्ट, ठीक है। इसमें चीजें ध्यान रखना, तो इसमें अपन ने बताया आंसर अपना कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया। देखिए बेटा यहाँ पर एक्स क्या बना है अपने पास, ये, और Y में इसमें पास किया तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस AlOH का होल थ्राइस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको ऑक्साइड की फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनको ओड से इवन नंबर में चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, Al2O6H6, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन गया, और साथ में डॉट लिख सकते हैं अपन 3H2O, इसने X के फॉर्म में दे दिया, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए आई कह रहा है ये कि अरेंज मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा देखिए ये कौन से वर्क है, सॉरी आवर्त के हैं, ये थर्ड आवर्त के हैं, किसके हैं, थर्ड आवर्त के हैं, तो इनके लिए बात करें अपन, इनको लिख दीजिएगा मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर अपन ने लिख दिया, तो देखिए इसके पास क्या है, 2s2 है, इसके पास 2p1 है, सॉरी 3s2 है, 3p1 है, तो इसकी IP ज़्यादा होगी, पहले ही बता चुका हूँ आपको ये बातें, इसमें किसकी IP ज़्यादा होगी, P3 की ज़्यादा होगी P4 से, तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर सिलिकन एंड फिर मैग्नीशियम एंड लास्ट आएगा कौन, एल्युमिनियम। ये बातें मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ,
काफी लंबी क्लास हो चुकी है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाइड्रोजन द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बट इज नॉट द मोस्ट एविडेंट गैस इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, रीजन क्या बता रखा है? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, इसलिए बेटा ये सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर में नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, मैक्सिमम वहाँ नहीं मिलता, पृथ्वी पर सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मिलता है, परंतु ट्रोपोस्फियर में ज़्यादा नहीं है। तो अब ये बातें दोनों ही सही हैं। ठीक है, और यहाँ नहीं मिलने का रीज़न भी ये सही बता रहा है कि हल्का है इसलिए ये ऊपर चला जाता है। तो इसमें दोनों आंसर आ जाएंगे, दोनों आंसर सही हैं, और आर सही व्याख्या कर रहा है, अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड, आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम बेटा, मैच द कॉलम जब भी क्वेश्चन आए आपको मैंने बताया था कैसे करना है इसको। अपन सबसे बात करें, पहले बात करें कि वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में अपन ने बात की थी किसका यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है, किसका, NaCl का। अब देखते हैं सेकेंड का डी, सेकेंड का डी देखिए, सेकेंड का डी देखिए दो में आ गया, तो अपने को एक ऑप्शन और ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पढ़ के गए हैं, इसका यूज एज ए एंटा एसिड किया जाता है, तो क्या आ जाएगा थर्ड, फोर्थ का क्या आ जाएगा सी, यहाँ फोर्थ का ए है, यहाँ फोर्थ का सी है, तो अपना आंसर मिल गया अपने को, तीसरा आंसर मिल गया। ठीक है, कौन सा आंसर मिल गया, तीसरा आंसर मिल गया अपने को। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट का बी कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम, फर्स्ट का बी वाइट वॉश करते हैं इसे, सेकंड का डी हो गया, सेकंड का डी हो गया, थर्ड का ए आ जाएगा, थर्ड का ए आ जाएगा, इसका कास्टिक कास्ट ऑफ स्टेटस में यूज किया जाता है इसका। फोर्थ का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, एंटा एसिड, तो अपना आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी इज ऑप्टेन थ्रो, उच्च शुद्धता का हाइड्रोजन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड से है बेटा, तो अपन इसका H2 फॉर्मेशन का मेथड है अपन बात कर चुके हैं इसमें, तो अपने को इससे किससे, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म BaOH का होल सॉल्यूशन यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस किसके, अपन BaOH के होल ट्वाइस के इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यूनिलियम का परमाणु क्रमांक, बेटा जी ये 100 के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं उनका IUPAC नेम लिखने का तरीका है। यूनिलियम के लिए बात कर रहा है, किसके लिए, यूनिलियम, अन का मतलब होता है 1, निल का मतलब होता है 0, अन का मतलब होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 101, कितना आ जाएगा 101 आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंथेनाइड जो +4 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, तो बेटा +4 कौन नहीं, लैंथेनाइड्स के लिए अगर बात करें तो EU जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट, बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें किन्हें कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक कैडमियम मरकरी को बोल छोड़कर, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर बाकी सबको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो अपन बात करें बेटा, नो तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देंगे, ये नहीं है, 21 है अपने पास, 25 भी होता है, ठीक है, इनमें बात कर लेंगे, तो 21 है, 32 नहीं, अपन बात करें 42 भी आता है, ठीक है, 72 भी संक्रमण श्रेणी में आता, आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षारीय मृदा धातु के सल्फेट में BeSO4 एंड MgSO4 की जल में विलयता, बेटा दोनों ही जल में हाईली सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं, कौन, BeSO4 एंड MgSO4, सल्फेट की सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होती है, सल्फेट की सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है परंतु थर्मल स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है, तो अपने को मिल जाएगा हाई एंड हाई, दोनों ही जल में विलयता ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट बात करें,
इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट शो एन ऑपोजिट ट्रेंड इन कंपेरिजन टू अदर प्रॉपर्टी अक्रॉस ए पीरियड, एक पीरियड में चार प्रॉपर्टी दी गई है बेटा अपने को, इन चारों प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑपोजिट है किसी एक की। अपन बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होती है, एक पीरियड में इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, परंतु एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है। तो इन तीनों से अलग कौन है, फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट के ये तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये तीनों ही, परंतु एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्ट के इनवर्स होती है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करें थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द ऑक्साइड ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टली बेसिक एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। बेसिक है, बेसिक बेटा किधर मिलेंगे अपने को, लेफ्ट की साइड में, बेसिक एम्फोटेरिक एंड एसिडिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटोमिक नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बेटा जी एक्स बेसिक है तो इस तरफ रहेगा, फिर वाई फिर जेड, एटोमिक नंबर इनका इंक्रीज होगा सबसे ज्यादा जेड का फिर वाई का फिर एक्स का, आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड आंसर आ जाएगा, कौन सा सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें टू एलिमेंट ए एंड बी हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दे डू नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट बट रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। ए एंड बी बेटा नाइट्राइड के लिए बात करता है, तो देखिए सीधा सा सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रुप में तो केवल और केवल लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का ऑप्शन कैंसिल हो गया अपना, इसमें फर्स्ट ग्रुप का ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अपने पास एक ही बचा लिथियम ही रिएक्शन करता है, लिथियम एंड मैग्नीशियम क्या करते हैं ये रिएक्शन करके लिथियम से नाइट्रोजन से लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शन ध्यान रखना कि लिथियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस लिथियम एन टू से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है एल आई थ्री एन बनाता है, जबकि एम जी एन टू से रिएक्शन करता है क्या बनाता है एम जी टू एम जी थ्री एन टू का फॉर्मेशन करता है। इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए एच ओ एच किया जाए हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो यहाँ मिलेगा एल आई ओ एच प्लस एन एस थ्री, यहाँ मिलेगा एम जी ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एन एस थ्री, तो दोनों में अपने को ये प्राप्त हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा सेकेंड आंसर आ जाएगा, कौन सा सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द एटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अन नील इन ईएम। अन का मतलब बेटा क्या होता है, अभी बताया था मैंने वन, नील का जीरो, इन का नाइन, 109 आंसर आ जाएगा, कितना 109, ये आईयूपीएसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द कंबिशन ऑफ द लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर। बेटा जी फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम है वो क्या बनाता है ऑक्साइड बनाता है, सोडियम वो परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम क्या बनाते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम का एल आई टू ओ बनेगा, सोडियम का Na2O2 बनेगा एंड पोटेशियम का KO2 बनेगा, ये सिंपल ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, ये क्या है सुपर ऑक्साइड, तो आंसर अपना आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा, कौन सा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू। बेटा जी देखिए जो 101 है ये 90 से 103 को क्या बोलते हैं एक्टिनाइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्टिनाइड बोलते हैं, ठीक है तो ये एक्टिनाइड हो जाएंगे। 104 की बात करें तो वो किस में आ जाएगा अपने पास एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड दो में दे रखा है और ग्रुप नंबर फोर में है 104 नंबर, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन जो अपना है द आयनिक रेडियस ऑफ ओ माइनस टू एफ माइनस वन सोडियम प्लस वन एम जी प्लस टू। ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, क्या एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने पर साइज डिक्रीज होती है, जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने पर साइज इंक्रीज होती है,
तो देखें सबसे बड़ा कौन होगा, O माइनस टू, फिर फ्लोरिन माइनस, फिर सोडियम, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा। बेटा जी ये अपने जेई मेन में आए हुए क्वेश्चनों की अपने बात की है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में अपने किसके लिए बात की है, इस चैप्टर टॉपिक के लिए अपने पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन इस कंपाउंड कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अगर बात करते हैं आगे के टॉपिकों की, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।